आपका क्वेश्चन है इवेलुएट, क्या दिया है देखो, 4 बाई कॉट स्क्वायर 30 डिग्रीज प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्रीज। ठीक है ना? तो आप देखो, अगर आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं तो इट्स गुड, अगर नहीं कर सकते हैं तो इसमें क्या दिया है देखो, 4 मीन्स 1 बाई कॉट स्क्वायर, कॉट 1 बाई कॉट इज 10, है ना? तो हम इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 4 10 स्क्वायर 30 डिग्रीज प्लस 1 बाई साइन इज कोसेक, तो वी कैन राइट इट एज कोसेक स्क्वायर 60 डिग्रीज माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्रीज। ठीक है ना? अब इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है। 4 इंटू 10 स्क्वायर 10 30 डिग्रीज, आपका 10 30 डिग्रीज कितना होता है आपका, 1 बाई रूट 3, तो 1 बाई रूट 3 होल स्क्वायर प्लस ना कोसेक स्क्वायर 60 डिग्रीज, है ना? तो कोसेक स्क्वायर 60 डिग्रीज आपका क्या होता है, साइन 60 डिग्री आपका होता है √3/2, उसका रिसिप्रोकल क्या हो गया आपका, 2/√3। तो वी कैन राइट इट एज 2/√3 होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 45 इज योर 1/√2, तो 1/√2 होल स्क्वायर। तो क्या हो गया देखो, 4 इंटू 1 स्क्वायर इज 1 √3 स्क्वायर इज 3 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 / √3 स्क्वायर इज 3 माइनस 1 स्क्वायर इज 1 √2 स्क्वायर इज 2। ठीक है? तो ये हो गया आपका 4/3 + 4/3, है ना, -1/2। तो अब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 6, तो आपका क्या आ गया, 2 इंटू 4 इज 8 प्लस अगेन 8 माइनस 3 इंटू 1 इज 3, तो आपका 8 + 8 इज 16, 16 - 3 इज 13, तो 13/6 इज योर आंसर। ठीक है?